नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं BSc इन कंप्यूटर साइंस, इसके बारे में जानकारी। इसे शॉर्ट में BSc इन CS भी कहा जाता है। CS का मतलब है कंप्यूटर साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म ये BSc इन कंप्यूटर साइंस CS कहा जाता है, और ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। का मेन एम क्या है? द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट क्वालिफाइड प्रोफेशनल एंड रिसर्च फेलो वो कैन वर्क इन एवरी सेक्टर ऑफ वर्ल्ड बाय इंप्लीमेंटिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि ये भी बाकी के जो IT कोर्सेज हैं, जैसे कि BSc इन IT और जितने भी IT से जुड़े कोर्स हैं, उनकी तरह कंप्यूटर पर डिपेंड है, उसके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है, वही सब इसमें भी सिखाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखो दिया है की हाईलाइट ऑफ BSc कंप्यूटर साइंस, यानी कि कुछ इसकी मेन बातें जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए 12th साइंस में। 3 साल का कोर्स है। और एडमिशन कैसे होता है? मेरिट बेस होता है, यानी कि 12th के मार्क्स के बेस पर होता है। और कहीं कहीं पर कुछ प्राइवेट कॉलेज, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे आए मार्क्स में आपको BSc इन CS में एडमिशन मिलता है। लेकिन ज़्यादा करके कॉलेजेस में आपका मेरिट बेस ही एडमिशन मिलता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है इसका देखो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आपका 50 या 60% इसके ऊपर होना चाहिए। हर जगह पर डिफर होता है जो क्राइटेरिया मार्क्स का, कहीं पर 50% के ऊपर, कहीं पर 60% के ऊपर, ऐसा रहता है। लेकिन रेंज करता है इसके बीच में ही, 50 से 60 के बीच में। उसके बाद आगे देखते हैं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये रहना चाहिए कंपलसरी। उसके बाद एक कंप्यूटर साइंस रहेगा तभी भी चलेगा, और नहीं रहेगा तभी भी आपको BSc CS में एडमिशन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर लेटरल एंट्री, यानी कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन कैसे मिलेगा? अगर आपने 10th के बाद 3 साल का जो डिप्लोमा होता है पॉलीटेक्निक वो किया होगा, तो आपको इसके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो अब इसका सिलेबस देखते हैं। तो देखो ये 3 साल का कोर्स है, यानी कि 6 सेमेस्टर रहेंगे, 1 साल में 2 सेमेस्टर, और एग्ज़ाम जो है वो सेमेस्टर वाइज होता है। आप इसका सिलेबस देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर सेमेस्टर 1 में है सेमेस्टर 2, 3, 4 और 5 एंड 6, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं, तो कुछ टॉप के कॉलेजेस BSc CS मुंबई में, जहाँ पर BSc CS होता है। तो सबसे पहला है सेंट जेवियर कॉलेज, जो कि मुंबई में है, और इसका फीस का कितना है, एवरेज फीस आप देख सकते हो 7,187। उसके बाद दूसरा है रूपर एल कॉलेज, तीसरा है मिठीबाई कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रामनारायण रुइया ऑटोनोमस कॉलेज, यहाँ पर जय हिंद कॉलेज, यहाँ पर आप भी देख सकते हो किशनचंद चेल्लाराम कॉलेज, और लास्ट में मुंबई यूनिवर्सिटी। तो कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं मुंबई में जहाँ पर BSc इन CS होता है। यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई रहता है। आगे देखते हैं इसका स्कोप क्या है BSc इन CS का, यानी कि इसे करने के बाद आपके सामने कैरियर ऑप्शन क्या रहता है। तो देखो, आज के इंडिया की GDP में, जो कि इंडिया का इकोनॉमी है, उसमें IT सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर देख सकते हो 10% योगदान IT सेक्टर का है। इसलिए IT सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ रही हैं, और ये आने वाले समय में भी बढ़ेगी। IT सेक्टर में भारी डिमांड है, और इंडिया में ही नहीं, फॉरेन के बहुत सारे कंट्रीज़ में IT सेक्टर लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आप कहीं पर भी, चाहे इंडिया में या फिर कहीं और किसी दूसरे नेशन में काम कर सकते हो, किसी अच्छी पोस्ट पर, किसी अच्छी कंपनी में काम कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट हो, या फिर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल हो, बोर्ड का हो, JEE, नीट, किसका भी सवाल हो, पूछ सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लियो। यहाँ पर आप 24/7 कभी भी अपना सवाल पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो 3 इजी स्टेप में। आपको प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फ्लियो, सिंपली सर्च करो फ्लियो एंड इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर से साइनअप करना है, देन उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, जो भी आपका सवाल है उसका फ़ोटो क्लिक करो, यहाँ पर अपलोड करो, आपका उसका आंसर 60 सेकंड में मिल जाएगा आपको उसका आंसर। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा ना आपने, कितनी आसानी से आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो सकता है, आपका सवाल जो भी हो वो क्लियर हो सकता है। इसलिए इसे डाउनलोड कर लीजिए अभी,
लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करने के लिए, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 2-3 कोर्सेज के वीडियो बनाए हैं, जैसे कि डी फार्मा हो गया, BCA हो गया, BSc इन IT, उसके बारे में वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगा तो। तो ऐसे ही नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको किसी और कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर वीडियो बना लूंगा। तो बस यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।